ने देखा कि लगातार आज के इस कोविड-19 के इस संघर्ष में झारखंड सामाजिक सुरक्षा को लेकर अनेकों तरीके से लोगों के बीच में उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में राज्य के अनेकों मजदूर फंसे हैं, झारखंडवासी फंसे हैं और आज उनको हम राशन तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं यहाँ से, लेकिन आर्थिक रूप से उनको हम मदद पहुँचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया था और उसके अनुरूप आज हम लोगों ने पहले चरण में 1,11,000 झारखंड के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम किया है। हर एक के खाते में 1,000 रुपये पहुंच गए और अभी तक हमारे इस पोर्टल में लगभग 2,47,000 2.5 लाख के लगभग लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है और चूंकि ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, इसके तहत बैंकों की और खातों की जांच प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसको लेकर 2-3 दिनों का जो समय लगा और अभी जो और खाते और जो लोग रजिस्टर हुए हैं उनके खातों की जो वेरिफिकेशन्स होने हैं, जैसे जैसे वेरिफिकेशन्स होते जाएंगे वैसे वैसे राज्य सरकार उन खातों में पैसे देने का काम करेगी। हम लोगों ने ये ऐप में रजिस्टर्ड होने की अवधि भी बढ़ा दी है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितने लोग मजदूर हमारे फंसे हैं वो सभी लोग इसमें आ जाएं ताकि उन तक हम सहायता राशि उपलब्ध करा पाएं और वो सहायता राशि से अपने इस संक्रमण में उसका उपयोग कर पाएं। आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि अब जो लोग कार्डधारी नहीं हैं और जिनको राशन देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है वो सभी को अब राशन कहीं दूसरे जगह से नहीं, अपने पास के ही डीलर के डीलर से उनको राशन दिया जाएगा, क्योंकि डीलर को ये बात पता होता है कि कार चूँकि वो राशन का वितरण करते हैं तो उनके पास कार्डधारियों की भी संख्या उनके पास है और जिनके पास कार्ड नहीं है लगभग उनको भी अधिकतर लोगों को वो व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। जो PDS व्यवस्था है यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि 1,000 लोगों के बीच में एक राशन दुकान लगभग है और जहाँ पर जनसंख्याएँ अधिक है जिन पंचायतों में जिन गाँव में वहाँ एक से भी अधिक डीलर हैं। इस वजह से हमने ये भी निर्णय लिया है कि अब जो हम लोगों ने पहले की प्रक्रिया अपनाई थी उस प्रक्रिया को बदल कर अब जो अप्लाई किए हुए हमारे लोग हैं इस राज्य में राशन कार्ड के लिए उनको अब राशन उपलब्ध होगा तो डीलर के ही माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा।